नमस्कार दोस्तों, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कचौड़ी समोसा खाने से हो गए हैं बोर, तो बनाइए कुछ चटपटा, तीखा, टेस्टी और डिफरेंट सा नाश्ता। तो आज मैं ऐसे ही नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मैं पोहा और कच्चे आलू से बनाकर तैयार करूँगी। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्मल वाला पोहा, जो हम नाश्ते के लिए यूज करते हैं वही वाला पोहा लिया है। और उसे हमें एक ग्राइंडर जार में डालकर पहले बारीक पीस लेना है। तो देखिए, इसे पीस कर मैंने अच्छे से बारीक पाउडर बना लिया है। अब इसका मेजरमेंट करना है हमें। किसी भी कटोरी, कफ, जिस भी चीज़ से आप भर कर ले रहे हैं उतना ही हमें इसमें पानी का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसे आप पहले नाप के लें। तो यहाँ पर एक कटोरी मेरा ये पोहे का आटा है और ये अच्छे से इस तरीके से पीस कर लिया है। अब एक कढ़ाई में लिया है मैंने एक चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने पर उसमें डाला है एक चम्मच जीरा। जीरा अच्छी तरीके से चटकने पर आधा चम्मच राई डाला है। आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर आता है। दो हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला है। एक इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके डाला है। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तड़के को अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर एक मिनट हमें इसी तरीके से भूनना है, जिससे मिर्च और जो अदरक का टेस्ट है वो अच्छी तरीके से निखर के आए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ी साइज़ का मैंने आलू लिया था, उसे छीलकर अच्छी तरीके से बारीक वाली ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और दो तीन पानी से धोकर निचोड़ कर लेना है। और आलू को डालने के बाद हाई फ्लेम पर एक मिनट के लिए हमें तड़के के साथ इसे चलाना है, जिससे जो तड़के का फ्लेवर है वो आलू के अंदर तक चला जाए और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है हमारे नाश्ते में। तो देखिए, अब मैं जिस कटोरी से नापकर मैंने पोहे का आटा लिया है उसी कटोरी से नापकर मैं उसका डबल इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। यानी एक कटोरी आटा था और दो कटोरी मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी को डालने के बाद आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मसाले आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत कम सिंपल से मसालों में बनाकर तैयार कर रही हूँ और इतना टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखकर ये रेसिपी ट्राई करना। तो अच्छे से तड़के में जब तक ये हमारा पानी अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता तब तक वेट करना है। जब पानी बॉयल आने लग जाए गैस को लो कर लेना है, लो फ्लेम पर, और हमें जो आटा लिया है उसे धीरे धीरे करके डालते जाना है और एक हाथ से मिक्स करते जाना है। इसमें लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। अगर आप आटा एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे और उन्हें मिटाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके एक हाथ से आटा डालें और एक हाथ से चलाते रहें, और लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरीके से कुक करना है जब तक कि ये डो फॉर्म में नहीं आ जाए। और लगातार चलाते हुए मैं इसे पका रही हूँ। और कढ़ाई हमारी जब इस तरीके से डो हमारा थोड़ा टाइट होने लग जाता है, बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कढ़ाई हिलती है, तो इसे किसी कपड़े की सहायता से इस तरीके से आप पकड़ लें और अच्छी तरीके से इसे कुक होने दें। तो देखिए, इसे कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दो तीन मिनट के अंदर ही ये अच्छे से ड्राई हो जाता है। और देखिए, इस तरीके से जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए, डो फॉर्म में आ जाए, इसे दूसरे बर्तन में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। क्योंकि कढ़ाई में ही छोड़ेंगे तो ये और टाइम तक गर्म रहेगा, तो हमें ये तुरंत ही से मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। हमें ये हल्का सा ठंडा चाहिए क्योंकि हमें इसे अभी मसल कर और चिकना करना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ये देखिए, डो अच्छे से हम छू पा रहे हैं, इतना हमारा ठंडा हो गया है। हल्का सा वॉर्म है, उतना रहने दें। और ऑयल लगाकर हाथ पर अच्छी तरीके से हमें इसे मसलना है, क्योंकि ये पोहे का आटा है तो हाथ पर चिपकता है, तो इसलिए आप बार बार ऑयल लगाना पड़ेगा जिससे ये स्मूथ हो जाए। और इस आटे को हमें बिल्कुल जैसे रोटी या पराठे के लिए हम आटा लगाते हैं उस तरीके से इसे मसल मसल कर हमें चिकना करना है, नहीं तो हम जो भी हमारा नाश्ता बनेगा उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई बाइंडिंग के लिए चावल का आटा या बेसन वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया है। अगर आपसे नहीं बन रहा है, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप एक दो चम्मच इसमें बेसन भी मिला सकते हैं या चावल का आटा भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसे अच्छी तरीके से स्मूथ गूंथ कर तैयार करूँगी, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो देखिए, अच्छे तरीके से ये डो फॉर्म में आ गया है। और अब हाथों में हमें ऑयल लगाकर अपना नाश्ते की जो है वो शेप देनी है। मैं इसे मेदू बड़ा शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे बॉल्स के रूप में भी बना सकते हैं, टिक्की के रूप में भी बना सकते हैं, सिलेंडर रूप में भी बना सकते हैं, या ट्राइंगल का शेप दे सकें। जो भी शेप आप देना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, वो शेप इसमें दे सकते हैं। मैं इसे मेदू बड़ा शेप में बना रही हूँ। इस तरीके से मीडियम साइज़ के मेदू बड़ा बनाने के लिए मैं छोटा सा पार्ट अपने जो डो का है वो ले रही हूँ, उसे दोनों हथेलियों के बीच रखकर अच्छी तरीके से पहले चिकना
ना करके टिक्की का शेप देके उसे मेदू बड़े की शेप में ट्रांसफ़र करना है। जब इसमें हम मेदू बड़े में छेद करते हैं तो ऑयल हम हल्का सा उंगली में लगाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं अंदर और अच्छी तरीके से होल हो जाएगा और क्रैक्स भी कम आएंगे। आपके आटे में हल्की क्रैक्स भी आ रहे हैं तो फ्राई होते टाइम वो बिखरेगा नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्रैक्स आ रहे हैं तो थोड़े बहुत क्रैक्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए इस तरीके से मैं ये सारे नाश्ते की पहले शेप दे लेती हूँ और जहाँ से क्रैक्स भी आते हैं तो उनको हल्का सा ऑयल लगाकर आप चिकना कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से मेदू बड़े की शेप में ये नाश्ता पूरा बनाकर एक साथ पहले तैयार कर लिया है। अब मैं दूसरे पैन में एक ऑयल को गर्म होने के लिए रख दी हूँ और हाई फ्लेम पर हमें ऑयल को गर्म करके हाई फ्लेम पर ही गैस को रख के हमें ये फ्राई करना है नाश्ता। एक एक करके सारे नाश्ते को हम ऐड कर देंगे और 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल भी चलाना नहीं है। अच्छी तरीके से हमें जैसे ही इसका कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तब हम इसे पलटेंगे। अगर आपने तुरंत की तुरंत पलट दिया या लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई किया तो ये बिखरने लग जाएगा ऑयल में और हमारा नाश्ता सारा ऑयल के साथ ही बिखर जाएगा। तो हाई फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखें, हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे तभी हमारी शेप बिल्कुल एक्यूरेट बनकर तैयार होगी। तो सारे नाश्ते को चलाते हुए हमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो देखिए अच्छी तरीके से ये क्रिस्पी हो गया है, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है और इसे अब जरी की सहायता से हमें सारे नाश्ते को निकाल लेना है ऑयल को इसको इस तरीके से झटकते हुए। दूसरी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। हमें ये सारा नाश्ता पहले फ्राई होने के लिए डालना है पैन में, पैन कढ़ाई जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, और उसे 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। फिर एक साइड से इसे पलटना है और पलटने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें वेट करना है। और पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद हमें फिर से बैच को अच्छी तरीके से झड़ाते हुए ऑयल को हमें निकाल लेना है और गर्मा गर्म नाश्ता बनकर हमारा तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी चटपटा ये नाश्ता बना है, बहुत कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं या सॉस के साथ, चटनी के साथ, जिस भी वे में आपको पसंद हो ये नाश्ता तैयार है खाने के लिए। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अपनी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।